शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 25 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 25 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अपन 24 जनवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों, हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता पर ध्यान केंद्रित करना और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके पोषण को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने का दोस्तों। तो दोस्तों, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में भारतवर्ष में जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है दोस्तों। तो दोस्तों, 2008 से मनाया जा रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही रहेगा कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य पर पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एजुकेशन डे अपन 24 जनवरी को ही मनाते हैं। तो दोस्तों, 2019 से इस दिवस को मनाते आ रहे हैं, तब से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, 2022 की थीम क्या थी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? तो दोस्तों, चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यह 2022 की अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी दोस्तों। और दोस्तों, यह तो हो गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में अपन ने मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, 24 जनवरी को दो दिवस मनाए दोस्तों अपन ने, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में विनोद शर्मा जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को डिजास्टर मैनेजमेंट के उनके प्रयासों और कार्यों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस पुरस्कार में यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इस पुरस्कार में दो श्रेणियां शामिल होती है, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होती है और एक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कैटेगरी होती है। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, और व्यक्तिगत कैटेगरी पर्सनल कैटेगरी में विनोद शर्मा जी को उनके कार्यों और प्रयासों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा उनके योगदान और निस्वार्थ सेवाओं को मान्यता देने के लिए यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों हर साल। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। तो दोस्तों, इन्होंने 2019, 2020, 2021, 2022 ऐसे 4 सालों के पुरस्कार दिए। तो दोस्तों, 2022 के लिए तो आपको मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और पर्सनल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को यह प्रेस्टिजियस पुरस्कार प्रदान किया। और दोस्तों, 2019 के लिए 8वीं बटालियन ऑफ NDRF को दिया गया दोस्तों यह पुरस्कार, और 2020 में व्यक्तिगत कैटेगरी में KM सिंह जी को और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में DMMC उत्तराखंड को यह प्रेस्टिजियस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया। और 2021 के लिए दोस्तों, राजेंद्र भंडारी और सेड्स को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत कैटेगरी में और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। तो दोस्तों, इस अकेडमी में उन्नत उपकरण, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुविधाएं लगाई गई है। और दोस्तों, यह अकेडमी पेरिस फ्रांस में होने वाली पैरालंपिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को मेडल दिलवाने में मदद करेगा। और दोस्तों, इस अकेडमी को भारत पैरा बैडमिंटन के मुख्य भारतीय राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना जी ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से इस अकेडमी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में स्मृति मंधाना जी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021
किसके रूप में चुना गया। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट की ताबड़तोब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्मृति मंदाना जी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों और दोस्तों 2021 का रैचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी स्मृति मंदाना जी ने ही जीता था, और दोस्तों 2018 में भी रैचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी स्मृति मंदाना जी को ही दिया था। तो दोस्तों दो बार इन स्मृति मंदाना जी ने रैचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जीता है दोस्तों। और दोस्तों पाकिस्तान के शाहिन शाह आफरीदी जी को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाले यह पहले पाकिस्तानी भी बन चुके हैं दोस्तों शाहिन शाह आफरीदी। और दोस्तों बात हमें स्मृति मंदाना जी की है, तो दोस्तों स्मृति मंदाना जी को ICC वुमेंस टीम ऑफ द ईयर द T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल होने वाली यह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी, और दोस्तों बिग बैश में शतक ठोकने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई थी दोस्तों भारतीय। और दोस्तों पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी स्मृति मंदाना जी ही है। और दोस्तों स्मृति मंदाना और अपनी वुमेन्स हॉकी की कप्तान रानी रामपाल जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में स्मृति मंदाना जी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला में अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस अपना कांगड़ा एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों टूरिस्ट को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान कराना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना इस अपना कांगड़ा एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों कांगड़ा से आपको कुछ याद आया कि हिमाचल की कांगड़ा पेंटिंग्स को GI टैग भी मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया दोस्तों, टूरिस्टों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने और स्थानीय हस्तशिल्प को बिक्री में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी से अबाइड विथ मी यह प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस साल की बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी में ए मेरे वतन के लोगों वाली धुन बजेंगी दोस्तों। तो दोस्तों गांधी जी के वन ऑफ द फेवरेट भजन अबाइड विथ मी को केंद्र सरकार ने हटा दिया गया है दोस्तों बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी से। तो दोस्तों अबाइड विथ मी यह गीत स्कॉटलैंड के कवि हेनरी फ्रांसिस जी ने 1847 में लिखा था, और 1950 से यह गीत बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बजाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय धुन बजाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और ज़्यादा गौरवशाली रहेगा, ऐसा मानना केंद्र सरकार का है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से अबाइड विथ मी यह प्रसिद्ध भजन हटा दिया गया है। तो दोस्तों बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यह क्या होता है? तो दोस्तों रिपब्लिक डे में लगभग सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के अंत का प्रतीक है दोस्तों यह बीटिंग रिट्रीट समारोह। और दोस्तों यह समारोह 24 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन इस साल 2022 से 23 जनवरी नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अब से 23 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह शुरू किया जाएगा दोस्तों। 23 से लेके 26 जनवरी तक यह समारोह चलेगा, और रिपब्लिक डे में लगभग सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के अंत का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से अबाइड विथ मी यह गांधी जी का वन ऑफ द फेवरेट भजन था यह प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो दोस्तों कोलकाता हवाई अड्डा को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यह एयरपोर्ट न्यूज़ में था, क्योंकि नागरिक विमान महानिदेशालय ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों यह जुर्माना क्यों दोस्तों लगाया गया? तो हवाई अड्डे पर रनवे की खराब देखरेख के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल राज्य में है, और इस पे अभी नागरिक विमान महानिदेशालय ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि हवाई अड्डे पर रनवे की खराब देखरेख के चलते दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में किया गया। तो दोस्तों नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन भूमध्य सागर में किया गया। तो दोस्तों नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2020 के बीच में समुद्र अभ्यास का आयोजन किया गया है, और नाटो के समुद्री क्षमताओं का परीक्षण करना इस नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन भूमध्य सागर में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी नाटो की है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी,
जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल बेल्जियम में, जिसके 30 सदस्य देश है दोस्तों। और दोस्तों इन नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2020 के बीच में इस समुद्र अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक का आयोजन वो मध्य सागर में किया गया। और दोस्तों इसी तरह से हाल ही में इंडिया और रशिया ने अरब सागर में एक एक्सरसाइज की थी जिसका नाम है दोस्तों पैसेक्स। तो दोस्तों हाल ही में समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन नाटो ने भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं तो दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी को वह प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों यह गुड डॉट कंपनी मटन चिकन और अंडों के विकल्प प्रदान करती है और प्लांट बेस्ड मीट बनाने की कोशिश करती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं तो दोस्तों अभी में जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन में भारत की कुजांगल फिल्म को बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कुजांगल यह तमिल फिल्म है और यह फिल्म के डायरेक्टर है दोस्तों पीएस विनोद राज जी। कुजांगल फिल्म यह तमिल में है और इसमें एक्टर है दोस्तों धनुष। इसी फिल्म को हाल ही में जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में भारत की कुजांगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड के विक्रम सोलंकी पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से कॉन्टी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी जी ने तत्काल प्रभाव से कॉन्टी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड के विक्रम सोलंकी पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से कॉन्टी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं तो दोस्तों हाल ही में आर नागा स्वामी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों पद्मभूषण से सम्मानित आर नागा स्वामी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों पद्मभूषण से सम्मानित पुरातत्वविद आर नागा स्वामी जी का हाल ही में निधन हुआ और आर नागा स्वामी तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक थे दोस्तों अभी तक के। तो दोस्तों हाल ही में पद्मभूषण से सम्मानित पुरातत्वविद आर नागा स्वामी जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 25 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। और दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़े उसके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 24 जनवरी को अपन ने 2 दिवस मनाए, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में 24 जनवरी 2022 को अपन ने मनाया। और दोस्तों हाल ही में विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत कैटेगरी में और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई। हाल ही में स्मृति मंदाना जी को ICC वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया, नामित किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से अबाइड विथ मी यह प्रसिद्ध भजन हटा दिया गया। और दोस्तों हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल राज्य में है वह अभी न्यूज़ पे है क्योंकि इस पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। क्योंकि हवाई अड्डे पर रनवे की खराब देखरेख के चलते। और हाल ही में समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 का आयोजन नाटो ने भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में किया गया। हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया। और हाल ही में जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन में भारत की कुजांगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में इंग्लैंड के विक्रम सोलंकी पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से कॉन्टी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में पद्मभूषण से सम्मानित पुरातत्वविद आर नागा स्वामी जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 25 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों जय बोले।